प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत आई से आशीष दे। प्रेरित काम की पुस्तक 15वें अध्याय 22 से, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और शीलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंतकिया भेजा, अंतकिया भेजे। उसका 32वां आयत 32, यहूदा और शीलास ने जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। यरूशलेम काउंसिल ने एक डिसीशन लिया हरेक कलीसिया में क्या होना चाहिए, और उस डिसीशन को एक पत्र में लिखा। पौलुस, बरनबास, यहूदा और शीलास जो भाइयों में मुखिया था, उन सबके हाथों में अंताकिया में उस पत्र को पहुंचा दिया। और बाइबल कहते हैं यहूदा और शीलास वो दोनों आप ही भविष्यवक्ता थे, और हरे कलीसियाओं में जाकर ये पत्र को पढ़ा और भाइयों को स्थिर किया था। भविष्यवक्ता का काम है भाइयों को स्थिर करना, मजबूत करना, प्रभु में मजबूत करना। यही शीलास बाद में पौलुस ने उस शीलास को अपना मिशनरी यात्रा के लिए चुन लिया, और पौलुस और शीलास मिलकर कई जहां में मिशनरी यात्रा किया। आपको पता है यूरोप में पहली बार जब एंट्री किया, जब प्रवेश किया सुसमाचार को लेकर, पौलुस और शीलास एक साथ थे। कई यात्रा में प्रेरित और भविष्यवक्ता, पौलुस एक प्रेरित था, शीलास एक भविष्यवक्ता था, दोनों मिलकर मिशनरी यात्राओं को किया। उनके सामने कई सारे देशों का द्वार खुल गया, कई सारे लोगों का दिल खुल गया और जेल खुल गया। बड़े अद्भुत कार्य इन दोनों के द्वारा हुआ था। शीलास जो भविष्यवक्ता भाइयों में मुखिया था, और परमेश्वर ने उस शीलास को, भविष्यवक्ता को अद्भुत तरीके से, अलौकिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में ऐसे भविष्यवक्ता और प्रेरित लोग एक साथ खड़े होने पाए, शीलास के समान भविष्यवक्ता लोग खड़े होने पाए, प्रेरितों के साथ खड़े होने पाए, देशों का द्वार, घरों का द्वार, लोगों का मन की द्वार सुसमाचार के लिए खुलने पाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। शालोम।